आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। सोशल मीडिया ने उठाया इलाज का खर्च। अपील के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों के सदस्यों ने मात्र एक घंटे में 1,50,000 की धनराशि की व्यवस्था की। करीब 81 सदस्यों ने किया अभी तक सहयोग। धनराशि आने का सिलसिला अभी भी जारी है। राधोगढ़ नगर के निवासी जीतू सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी एक वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत होने के कारण उसे इलाज के लिए भोपाल के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो कोमा में है। साथ ही जिंदगी एवं मौत के बीच लड़ रहा है। परिवार इलाज हेतु सक्षम न होने के कारण घायल का एक व्हाट्सएप वीडियो राधोगढ़ के व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल करते हुए मदद के लिए अपील की गई, जिस पर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा राधोगढ़ परिवार राधोगढ़ सेवा संघ से जुड़े सदस्यों ने अपील के एक घंटे में ही करीब 1,50,000 की राशि व्हाट्सएप ग्रुपों के सदस्यों के माध्यम से एकत्रित कर घायल के खाते में जमा कराई, जिससे घायल का इलाज अभी जारी है। अभी तक 81 सदस्यों ने सहयोग किया है। राधोगढ़ सेवा संघ परिवार के प्रयासों से 96,200 की तुरंत शासकीय राशि स्वीकृत होकर लाल बहादुर शासकीय अस्पताल के खाते में जमा हो चुकी है। राधोगढ़ नगर से माली समाज के युवाओं द्वारा दुकानदारों से सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी ABS हॉस्पिटल उसका हालचाल जानने के लिए पहुंचे तथा 11,000 की राशि भेंट कर जयवर्धन सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा जीतू सैनी के परिवार को दिया है। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है, मेरे घर की स्थिति बहुत गंभीर है और मेरे पापा काम कर चुके हैं, मेरा भाई जिंदगी मौत से लड़ रहा है। आपसे निवेदन है, मेरे पास व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ा सहयोग करें तो मेरे भाई की पूरी जान बच जाएगी। आपसे भाई लोगों से यही निवेदन है। मैं माली समाज का रहने वाला हूँ, राधोगढ़ का, उनको से हूँ। LBS हॉस्पिटल में वो भर्ती है, मतलब पर डे का उसका 15,000 रुपये चार्ज है, 10,000 रुपये चार्ज और बाकी पूरी दवाइयों का चार्ज है। व्यवस्था मेरे पास जिम्मेदारी मेरे ऊपर, आपसे निवेदन है थोड़ा सहयोग। अगर हो जाए तो और अच्छा लगेगा कि 10-20-50 लोग, अभी हम 10 लोग हैं और भी जैसे आप मोहल्ले से या आप लोग सब लोग अगर साथ दोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाकी का फेसबुक से व्हाट्सएप से वगैरह से सब लोगों से हमने दो चार मतलब पैसा इकट्ठा हो रहा है जीरो के लिए इलाज के लिए। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी आनंद व्यास की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मंदसौर की घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें वह ये कहते हुए देखे गए कि बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं नशा भी जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि नशे के कारोबारियों की संपत्ति कुर्क कर देनी चाहिए, साथ ही नशे से बचना चाहिए। वहीं मंदसौर की घटना को लेकर बोले कि अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर देना चाहिए, जिससे वह दोबारा ऐसा जघन्य अपराध करने की सोच भी न सके। देश में जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं उनको सजा तो मिले ही, फांसी की भी मिले, लेकिन उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाए, क्योंकि जब तक संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी तब तक उसका इतना प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, ये जो बलात्कार की घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों के सेवन से मिली होती हैं। कोई भी व्यक्ति होशो हवास में ऐसी घटना नहीं कर सकता है और नशीले पदार्थ का जो व्यापार करते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं व्यापारियों को, नशीले पदार्थ बेचने वालों को, उनकी संपत्ति भी कुर्क करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। आइए हम सब मिलकर नशीले पदार्थों के सेवन, इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाएं, इसके खिलाफ लड़ें और आवाज उठाएं। धन्यवाद। मांझी केवट समाज द्वारा कमों को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर आज एक मौन जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर कलेक्ट्रेट तक गया, जहां एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए गए कि कमों को जल्द से जल्द न्याय मिले, साथ ही कमों ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या हुई है इसकी CBI जांच भी कराई जाए। कलेक्ट्रेट में समाज जनों का ज्ञापन SDM दिनेश चंद शुक्ला ने लिया। इसके बाद समाज के सभी लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे, वहां उन्होंने एडिशनल SP श्री बघेल को ज्ञापन सौंपा एवं आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की, जिस पर एडिशनल SP ने उन्हें समझाया कि FIR में 302 की कायमी हो चुकी है और जल्द ही प्रकरण की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
दिनांक 30/6/2018 को दोपहर में सीताराम केवट जी की पुत्री कम्मो केवट के आकस्मिक निधन पे जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लिए 50,00,000 रुपये मुआवजा एवं इसकी सीबीआई द्वारा जांच की मांग की जा रही है। दोषियों को फांसी की सजा दी जावे ये माजी केवट समाज की मांग है। इसी बाबत ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को पेश किया जा रहा है। खनन माफिया ने किया वन विभाग की टीम पर हमला और साथ में ले गए जब्त किया हुआ ट्रैक्टर और ट्रॉली। बता दें कि वन अमले ने बजरंगगढ़ के जंगलों में अवैध रूप से लकड़ी को ले जाता एक ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त किया था। जब वन कर्मी जब्तशुदा ट्रैक्टर को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में वन माफिया के हथियारबंद गुंडों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और जब्त किया और ट्रैक्टर और ट्रॉली छुड़ाकर ले गए, जिसकी शिकायत आज बजरंगगढ़ थाने में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई। एक पौधों के बीच की घटना, ट्रैक्टर वन अपराध अतिक्रमण करते हुए ट्रैक्टर पकड़ा गया था। इसमें श्री हमारे एसडीओ साहब साथ में थे और हथियारबंद लोगों ने हमें रास्ते में ट्रैक्टर रोक लिया था। एक जगह रोकने के बाद दूसरी जगह भी रोका उन्होंने, यानी रोकते रोकते उनकी अपराधी ज़्यादा यानी बढ़ते गए और हमें रास्ते में ट्रैक्टर छुड़ा के और लाठी परसों से बल उपयोग करके छुड़ा के ले गए। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी में? हम तो केवल स्टाफ में 4-5 लोग थे। वो लोग कितने हो गए थे? वो लोग 30-35 के लगभग। किस जगह की घटना थी ये? ये लोहापाल के आगे कोई कुंदा नाम के गांव की घटना है। कौन सा थाना लगता है ये? बजरंगगढ़ पुलिस पहुंच गई थी लेकिन थाना बजरंग रावण बता रहे हैं। उन लोगों ने आपके साथ में क्या किया? उन्होंने सामने लाठीचार्ज किया और हमारे मोबाइल छुड़ा लिए, जो हमने वो किया था रिकॉर्डिंग वो डिलीट कर दिए और हमको बंधक बना के गांव में ले जा रहे थे वापस। पुलिस नहीं होती तो हमारी जान खतरे में थी। सरकार बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मंजर देखने को मिला ग्राम सुरजा खेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में, जहां मास्टर जी के होते हुए बच्चों को झाड़ू लगानी पड़ रही थी। इतना ही नहीं, मास्टर साहब बच्चों को खुद बता रहे थे कि झाड़ू कैसे और कहां लगाएं। मास्टर जी को इतना भी डर नहीं था कि हमारा कैमरा उनकी इन सब हरकतों को देख रहा है। निडर होकर वह बच्चों को बताते जा रहे थे कि किस तरह से झाड़ू लगाना है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे जानना चाहा कि बच्चों से झाड़ू क्यों लगवाई जा रही है तो इतना सुनकर झल्ला उठे और खुद झाड़ू थाम ली और कहते नजर आए कि मैं खुद ही झाड़ू लगा लेता हूँ। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें बच्चों से साफ सफाई करवानी पड़ी। शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में चपरासी के पद की नियुक्ति लगभग हर ग्राम में है, इसके बावजूद भी यहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी। हम देख सकते हैं सर, यहाँ बच्चों से झाड़ू लगाया जाता है। सर बच्चों से क्यों झाड़ू लगवा रहे हैं? तो अब मैं लगाऊंगा सर, आप थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है। नहीं तो बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं? मैं लगा दूंगा। नहीं अभी तो आप देख सकते हैं ना, ये देखिए। नहीं तो आप बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं? मेरे पास नौकर व्यवस्था थोड़ी। नहीं तो आप करिए ना। मैं कहाँ से करूँ, मैं एडवांस में बात करूँ सर। देखिए सर, स्कूल की साफ सफाई बच्चों से करवाई जा रही है, ये देखिए आप, ये देखिए। और सर से हमने क्वेश्चन पूछा तो सर बोलते हैं क्या मैं लगाऊंगा क्या, ये देखिए, ये देखिए। बच्चों की पढ़ाई की जगह उनसे काम करवाया जा रहा है। सुजाखेड़ी से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट।
प्रदेश लघु वन संघ के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों को सरकार की निर्धारित सुविधा नहीं मिल पा रही। हितग्राही उमर थाना निवासी डालचंद भील ने बताया कि गरीब आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को एक पानी की छोटी सी बोतल एवं एक साड़ी देकर लघु वन संघ टरका रहा है, जबकि सरकार द्वारा 5 लीटर की पानी की बोतल, महिलाओं को चरण पादुका योजना के तहत चप्पल, पुरुषों को जूते देने का विधान है। किस गाँव से हो आप दादा? उमर थाना से। उमर थाना से हो, क्या नाम लिखते हो आप? डालचंद। क्या क्या मिला है आज आपको मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्रहालय के द्वारा? साहब एक बाटर मिले और एक साड़ी मिली। तो उसमें एक जूता देना पुरुष को और महिला को, एक स्त्री को एक चप्पल मिलेगी, वो आपको क्यों नहीं दिया गया? उन्हें दी नहीं सर, यही दी उन्हें बाटर और एक साड़ी। तो उसने एक लीटर की बोतल दी सर। और साड़ी दी गई है आपको? एक साड़ी दी गई। और जूते दिए गए हैं आपको? जूता नहीं दिया सर। और चप्पल? चप्पल भी नहीं। चप्पल भी नहीं दी गई। आप किस पंचायत से हो दादा? ग्राम पंचायत उमर थाना। ग्राम पंचायत उमर थाना से। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।